हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और हाँ दोस्तों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सिक्किम में जो हालत हुआ है उसको लेके वीडियो डालने का या कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी थोड़ा सिचुएशन तो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। और आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो, कि हमारे सिक्किम के लिए आप लोग सब प्रे कर दीजिएगा कि नॉर्मल हो जाए सिचुएशन, जल्दी से सबका ठीक हो जाए। और तो हाँ, ये बात हो गया एक। और दूसरा बात ये है कि आज मैं वीडियो में अपना कुछ दिल का बातें कहना चाहती हूँ और आप लोग को एक नई परी से मिलाना चाहती हूँ जो कि मेरी लाइफ में आई है किशनगंज में। तो एक परी आई हुई है यहाँ पे मेरे साथ में अभी, तो उनका नाम है मिस सावित्री प्रधान एंड सी इज़ फ्रॉम आसाम। ये नेपाली है। हाँ, किशनगंज में मैं जहाँ पे हमारा वर्क प्लेस जहाँ पे MGCU पे माता कुची कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हम लोग काम करते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आई वॉज फर्स्ट नेपाली गर्ल, है ना। और तो पूरा एक साल तक मैं ही थी अकेली, नेपाली, तो मेरा किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाती थी। तो अभी ये आगे है, एक महीना होने वाली है ना, कब होगा? 11 नहीं, हो गया तो हो गया। कब हुआ? आज कितना? 11। हाँ, आज ही हुआ है। सावित्री मैम का इधर आना आज ही एक महीना हो गया, 1 मंथ कम्प्लीट हो गया। तो आपको कंग्रेचुलेशन है, ठीक है। और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा बहन मिल गया, कॉलिंग मिल गया, अच्छा लग रहा है। तो मेरे को भी बहुत, मेरे को तो इनसे भी ज़्यादा बहुत खुश लग रहा है क्योंकि मेरा मुंह नहीं खुलता था पहले, अब बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं, है ना। तो इसी वजह से आज हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग अपने लाइफ को, छोटा छोटा चीज़ों में भी, है ना। एंड वी आर लिविंग लाइक सिस्टर्स सिबलिंग्स। और हाँ, मैं आप लोग को इनको ही दिखाना चाहती थी। तो ये आने के बाद मेरा लाइफ में किशनगंज से बहुत खुशियाँ आई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, यू टू, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम लोग अभी एक दूसरे का सहारा बने हैं यहाँ पे। और कुछ बोलना है आपको? और बोलो, कैसा लग रहा है कॉलेज में आके? मेरा सिस्टर वो यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े, है ना, सब्सक्राइबर्स। हाँ, यस, कर दीजिएगा। मैं अच्छी, मैं उतना ब्यूटीफुल तो नहीं हूँ, इनको देख के कर दीजिएगा। ओ, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कर दीजिए, आपको क्या क्या लैंग्वेज बोलना आता है बोलो? मुझे आता है असामीज लैंग्वेज, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, नेपाली आता है, नेपाली तो मेन है, बंगाली थोड़ा थोड़ा समझ जाती हूँ मैं, और थोड़ा थोड़ा बोलना भी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। और मुझे अल्पो अल्पो आता है, समझ में भी अल्पो अल्पो ही आता है। हाँ, तो आज हम लोग अभी लंच करके बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करें, अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, बिजी रहते हैं। और बाकी दिन में भी लंच के बाद हम लोग चाय पीने के लिए जाते हैं। तो आज हमारे क्वार्टर में थोड़ा प्लम्बर का काम है, इसीलिए हम लोग प्लम्बर का वेट भी कर रहे हैं, इसीलिए आज वीडियो बनाने का मौका मिल गया, है ना। हाँ, और ये मनी प्लांट है, हम लोग कहीं से लेकर आए हैं, चुरा के नहीं, कुछ मांग के लेकर आए हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है प्लांट, है ना। तो अच्छा, और कुछ बातें आपको कहने के लिए? मुझे तो ज़्यादा बोलना नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो में बोल रही हूँ, है ना, तो मेरा भी कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कुछ खास तो नहीं है, सिर्फ मैं आप लोग को इनको दिखाना चाहती थी, किशनगंज में आके सी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिससे, नेपाली पर्सन जिससे मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, दिल खोल के अपना मन की बातें शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो लाइफ में कुछ होना चाहिए ना, आप लोग जब भी घर से दूर रहते हो और ऐसा जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपका लैंग्वेज बोलने वाला कोई भी नहीं है, है ना, तो कैसा सफोकेशन टाइप का होता है। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, तो इनका आने के बाद अभी सब कुछ ठीक है।
क्या बोलते हैं उसको, मेरा जिंदगी खुश हो गया. ठीक है, तो बाय बाय.